हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आई होप कि आपको मेरी कल की वीडियो पसंद आई होगी, यूएस ट्रिप पार्ट वन। तो आज संडे है, अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर आज हम डिस्कस करेंगे कि यूएस ट्रिप कैसे हुआ, क्या हुआ वहाँ पे, तो मैं कैसे पहुँचा वहाँ पे, तो सारी बातें करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कि यूएस में कैसे गया, वीज़ा कैसे लगा और तो क्या। सो इट वॉज बैक इन 2019, मुझे एक ईमेल आती है यूनिवर्सिटी से। आई वॉज इन यूके एट दैट टाइम, स्टूडेंट वीज़ा। तो मुझे ईमेल आती है यूनिवर्सिटी से कि यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग फॉर फील्ड ट्रिप। मैंने जैसे ही मुझे ईमेल रिसीव हुई तो मैंने फॉर्म रिप्लाई किया है उसमें कि मुझे और उस पर डिटेल्स दें। यूरोप की कुछ कंट्रीज थी उसमें, जैसे इटली, फ्रांस और जर्मनी एंड यूएस। इसके अलावा एक जो फील्ड ट्रिप थी वो थी यूएस की, यूनिवर्सिटी हमें यूएस लेके जाएगी फील्ड ट्रिप पर। तो मैंने और डिटेल्स कलेक्ट करी अपनी यूनिवर्सिटी जाके रजिस्ट्री वगैरह से। तो मुझे पता चला कि एक और नया सरप्राइज मिला कि पूरी जो हमारी फील्ड ट्रिप होगी वो यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड होगी। बस कुछ मिनिमल सी फीस जो थी वो हमें पे करनी थी, लाइक 300 और 400 pound आई गेस। तो वो मैंने बस पहली फुर्सत में घर में डिस्कस किया, घर में बताया कॉल करके कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। पापा से बात हुई, मामा से बात हुई, तो उन्होंने बोला गो अहेड करो अप्लाई। तो मैंने अप्लाई करा, मैंने दूसरे दिन ही आई गेस अप्लाई कर दिया था। तो उसके बाद फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछा तो उन्होंने भी किया था अप्लाई। तो वीज़ा के लिए हमने जैसे ही अप्लाई करना शुरू करा तो TS-160 फोन होता है यूएस के वीज़ा के लिए, वो हमने फिल करा। मैंने और फ्रेंड्स के साथ बैठ के फिल करा फॉर्म। तो फिल करने के बाद विद इन अ वीक हमारा अपॉइंटमेंट डेट आ गई। तो अपॉइंटमेंट डेट थी हमारी लंडन में, मैं उस वक्त था कोविड यूनिवर्सिटी में। ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैं यूके में स्टूडेंट, मैंने बैचलर्स किया हुआ है। तो लेट्स एंड अनदर स्टोरी, किसी दिन डिस्कस करेंगे। सो वीज़ा मिलने के बाद हम वेट ही कर रहे थे। तो हमारी 2020 में जुलाई में आई गेस हमारी फील्ड ट्रिप होने वाली थी। वीज़ा मेरा लग गया था जनवरी 2020 में। उसके बाद से फेब में COVID-19 की न्यूज़ आने लगी। COVID-19 काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था बाहर। US वगैरह में भी फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, UK में भी फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी थी। तो हमने अपनी लेक्चरर से डिस्कस किया, जो भी कंसल्टेंट थे उनसे डिस्कस किया क्या होगा उसका, कैसे होगा, हम कैसे जाएंगे, जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। तो एंड टाइम तक हमें फेब तक ये था कि हम जा रहे हैं। पर जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ तो हमें एक ईमेल रिसीव होती है कि ऑल फील्ड ट्रिप्स आर कैंसल्ड, सो देयर विल बी नो फील्ड ट्रिप। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर फील्ड ट्रिप कैंसिल हो गई। तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे भी, मेरे दोस्तों को भी। कुछ नहीं, फिर हमने अपनी स्टडीज़ वगैरह कंटिन्यू करी। मार्च में हमारी लास्ट क्लासेस थी, लेक्चर थी, यूनिवर्सिटी हमारी क्लोज हो गई थी ड्यू टू COVID-19 एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान। 5 साल का मुझे मिनिमम वीज़ा ग्रांट हुआ था, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता। तो मतलब मैंने उसी वक्त प्लान कर लिया था कि जब ये कोविड एंड होगा तो मैं US इंशाल्लाह विज़िट करूँगा, सोलो विज़िट करूँगा पर विज़िट ज़रूर करूँगा। तो 2021 में मेरा प्लान बना कि मैं US विज़िट कर लूँ। टिकट वगैरह बुक कराए न्यूयॉर्क के, JFK के मैंने टिकट बुक कराए, मैं चले गया US, सोलो गया, अकेले गया। वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रहता है रवि, मेरा क्लासमेट, स्कूल फ्रेंड, ओल्ड स्कूल फ्रेंड। सो उससे मुलाकात हुई, काफ़ी टाइम उसके साथ गुजारा। ये आप क्लिप चेक करें। US पहुँच के मेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन तो न्यूयॉर्क थी। न्यूयॉर्क पे मैंने अपना पूरा डे स्पेंड करा,
दो दिन में वहाँ पे रुका न्यूयॉर्क में, मैंने काफ़ी जगहें घूमी, टाइम्स स्क्वायर विजिट किया। बिग बस में ट्रेवल किया, बिग बस बेसिकली पूरे आपको टूर करवाती है सिटी का, न्यूयॉर्क सिटी का, तो वन टाइम टूर हो जाता है, वो अच्छा हो रहता है, जहाँ आपको उतरना है वहाँ उतर जाए, साइट सीइंग कर लें। मैसाचुसेट्स के बाद मैं वहाँ से गया हूँ वाशिंगटन, वर्जीनिया में मेरा स्टे था, वर्जीनिया में मैं 2 दिन रुका हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जगहें देखी, विजिट करी। ऑल दो मेरा जो ट्रिप था वो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, पर मैं जो सोचा हुआ था यूनिवर्सिटी के साथ विजिट करेंगे, दोस्तों के साथ विजिट करेंगे, उसका एक अलग से लेवल होता है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है आई गेस। पर ये था, ऐसे मैं यूएस की ये सारी कहानी थी वो आपको मैंने कल शॉर्ट क्लिप में दिखाई थी, अगर आपको पसंद आई हो तो आप काइंडली शेयर करें, लाइक करें उसको। चले गाइस, अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आगे दिखाते हैं। ये क्या बात हुई यार, हम ऊपर आए छत पे, बारिश रुक गई, ये कोई तरीका नहीं है यार। अच्छा भाई, तो अभी हम KFC जा रहे हैं, काफ़ी भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम हो रहा था, खाना भी नहीं खाया था, तो हमने सोचा KFC चलते हैं, KFC से कुछ खा लेते हैं चल के। अच्छा ऑर्डर आ गया है हमारा, और वाव फ्लॉक्स ऑर्डर किया था हमने, वाह धूम भी दिखाओ रुजा। मेन रोड की क्या बनाए, इससे अच्छा रोड आपको कहाँ मिलेगा कराची में। वाह ब्यूटी, अब मैं मिलूंगा आपसे करके ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय।